अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गट्टू मीट्स एन आर्मी ऑफिसर। एक दिन स्कूल में आर्मी कैंप के लिए सिलेक्शन को लेकर एक प्रोसेस हुआ जिसमें गट्टू अव्वल आया। जैसा कि हमारे स्कूल ने इंडियन आर्मी कैंप को विजिट करने के लिए और कैंप में जाने का मौका देने के बारे में सोचा, जिसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी हुआ और हमारे स्कूल के कुछ बच्चे इंडियन आर्मी कैंप विजिट के लिए चुने गए। उनमें से गट्टू, चिंकी, भूषण, इनका नाम सिलेक्शन हुआ है। गट्टू और चिंकी सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि गट्टू को काफी पहले से आर्मी ऑफिसर से मिलने की महत्वाकांक्षा थी और अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस चिंकी, हम लोग सिलेक्ट हो गए। यस गट्टू, अब हम इंडियन आर्मी कैंप विजिट कर पाएंगे। लास्ट ईयर भी ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया। चलो घर जल्दी चले, तैयारी भी तो करनी है। गट्टू चिंकी घर आकर मम्मी और पापा को इंडियन आर्मी कैंप के बारे में बताने लगे। वेरी गुड गट्टू चिंकी, इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहती है। उन्हें देखकर तुम्हें काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है तुम दोनों को आर्मी से जरूर सीखने को मिलेगा। मेरे बच्चे कैंप जाएंगे। मम्मी गट्टू और चिंकी को प्यार से सराहने लगी। थैंक यू सो मच मम्मी। गट्टू चिंकी, तुम्हारे साथ और कौन है? पापा, हमारे साथ भूषण का भी सिलेक्शन हुआ है और स्कूल टीचर भी हमारे साथ होंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर जल्दी सो जाओ और अलार्म लगा देना, जल्दी उठना होगा ना तुम दोनों को भी। यस yes! गट्टू चिंकी सो गए। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही गट्टू और चिंकी उठ गए। गट्टू और चिंकी ने मम्मी को उठाया। मम्मी ने गट्टू और चिंकी की सारी तैयारी कर दी। गट्टू ने सर पर खाकी टोपी लगाई और स्पोर्ट्स शूज के साथ आर्मी ऑफिसर से मिलने तैयार हो गया। चिंकी ने भी आर्मी कलर का फ्रॉक पहना। दोनों भी काफी एक्साइटेड है। सुबह सुबह गट्टू, चिंकी और भूषण स्कूल के टीचर के साथ इंडियन आर्मी कैंप में पहुंच गए। गट्टू चिंकी ने बहुत बड़ा ग्राउंड देखा जहां पर आर्मी ऑफिसर्स के टेंट लगे हैं और एक बड़ा सा आर्मी ट्रूप सावधान पोजीशन में खड़ा है। सर, क्या हम इंडियन आर्मी ऑफिसर से बात भी कर पाएंगे? हाँ हाँ गट्टू, क्यों नहीं, तुम अपने सवाल भी पूछ सकते हो। गट्टू बहुत खुश हो गया। गट्टू, मुझे तो डर लग रहा है, देखो ना आर्मी ऑफिसर्स कितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। दूर से ही चिंकी ने आर्मी ऑफिसर के ट्रूप को इशारे करते हुए कहा, गट्टू, चिंकी और भूषण, जैसा कि तुम सिलेक्शन प्रोसेस में पास हुए हो इसलिए तुम्हें मौका मिला है। फिलहाल हम आर्मी ऑफिसर का ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा देखेंगे। गट्टू, चिंकी और भूषण आर्मी ट्रूप से कुछ ही दूरी पर रखे कुर्सियों पर बैठ गए। आर्मी ऑफिसर अपने ट्रूप के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। एक आर्मी ऑफिसर छड़ी लिए सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। कुछ ही देर में आर्मी ऑफिसर ने ट्रूप की ट्रेनिंग रोकी। टीचर गट्टू, चिंकी और भूषण को आर्मी ऑफिसर से मिलवाने के लिए अपने साथ ले आए। हेलो मेजर, ये हमारे स्कूल के होनहार बच्चे हैं जिन्होंने इस कैंप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस पास किया है और सभी आपसे मिलने के लिए काफी उत्सुक है। टीचर ने आर्मी ऑफिसर से बात शुरू की। कांग्रेचुलेशंस बच्चों, तुम्हें ट्रेनिंग कैसे लगी? गट्टू, चिंकी आर्मी ऑफिसर की कड़ी आवाज से लगभग डर ही गए। जी सर जी, हमने ट्रेनिंग देखी। यस सर, हमें ट्रेनिंग काफी सख्त भी लगी। बच्चों, इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है, ये दुश्मनों के लिए खतरनाक है, लेकिन तुम जैसे बच्चों के लिए काफी नरम दिल, इसलिए बेफिक्र होकर इनसे बात करो। सही कहा सर आपने। कुछ ही देर में टीचर वहां से चले गए। अब गट्टू, चिंकी और भूषण आर्मी ऑफिसर को घेर कर खड़े हो गए। आर्मी की ट्रेनिंग इतनी सख्त क्यों होती है? हाँ सर, हमने अभी अभी देखा किस तरह से आप छड़ी लेकर सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। बेटा, हम लोग देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए सख्त ट्रेनिंग लेकर हम अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि दुश्मनों का अचानक हमला होने पर भी हम डगमगाए नहीं बल्कि डट कर खड़े रहे। सर, आपके हाथों में जो बंदूक है, क्या वो मैं भी चला सकता हूँ? अरे गट्टू, ये कोई खिलौने वाली बंदूक नहीं होती, असली होती है। सही कहा चिंकी, इसे राइफल कहते हैं। राइफल के कई प्रकार होते हैं जिसे सीखने के लिए कई दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाकर इस राइफल पर हाथ साफ रहता है। ओ अच्छा, ये राइफल काफी भारी होगी ना सर? हाँ, ये काफी भारी है। तभी टीचर वहाँ आए। गट्टू, चिंकी और भूषण, चलो
हम आर्मी ऑफिसर के साथ खाना खाएंगे। यस गट्टू चिंकी और भूषण, तुम चलो, मैं अपने ट्रूप को इंस्ट्रक्शन देकर आता हूँ। गट्टू चिंकी और भूषण टीचर के साथ चलने लगे, लेकिन तभी गट्टू वहीं रुक गया और आर्मी ऑफिसर के पीछे चलने लगा। गट्टू, तुम्हें नहीं जाना? सर, मुझे आपके साथ रुकने दीजिए ना, मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहूंगा, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। परेड विश्राम, परेड सावधान। आर्मी ऑफिसर की इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आर्मी ट्रूप ने उसी तरह से एक्शंस किए, साथ ही साथ गट्टू भी आर्मी ऑफिसर को फॉलो करते हुए उसी तरह से एक्शंस करने लगा। आर्मी ऑफिसर एकदम स्ट्रेट खड़े थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नजर नीचे करके गट्टू की ओर देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। परेड दाएं मुड़। साथ ही साथ आर्मी ऑफिसर का ड्रिल शुरू हुआ। गट्टू शांति से खड़ा रहकर देखने लगा। पहले इंस्ट्रक्शंस गट्टू ने अच्छी तरह से समझ ली और उसने पूरे ट्रूप को ध्यान से अब्सॉर्ब किया। उसके बाद अगले इंस्ट्रक्शन पर गट्टू भी अच्छी तरह से ड्रिल करने लगा। आर्मी ऑफिसर गट्टू को देखकर खुश हो गए। जल्दी आर्मी ग्रुप की ड्रिलिंग खत्म हुई। कैडेट्स, ये है गट्टू, सभी को फॉलो करके गट्टू ने हर एक्शन सही तरीके से किया है। आर्मी ट्रूप ने गट्टू को देखकर मुस्कान दी। गट्टू बेटा, तुमने तो काफी अच्छी तरह से सारे एक्शंस किए, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर, मैंने आप जैसे आर्मी ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ टीवी में देखा है और सिर्फ लाल किले के राजपथ पर। आज जब मैं सबको अपने सामने देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आर्मी ऑफिसर ने गट्टू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेरी गुड गट्टू, देश के लिए बच्चों में आर्मी को लेकर ऐसी भावना होना, ये हमें और भी ज्यादा स्फूर्ति देता है। मेरे साथ साथ बाकी सभी कैडेट्स भी तुम्हें देखकर खुश है बेटा, बहुत बड़े इंसान बनना। चाहे तुम आर्मी ऑफिसर बनो या ना बनो, लेकिन अपने देश के लिए हमेशा कार्यरत रहना। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। गट्टू के चेहरे पर गहरी मुस्कान छाई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।